अस्सलाम गाइस, कैसे हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 44, जो कि है लास्ट लेसन है। 45 इस लास्ट है, लेकिन 45 जो है वो रिकैप है तमाम लेसन का। तो हम लोग जस्ट 44 तक ही करेंगे इधर कवर, क्योंकि फाइनल्स हैं नेक्स्ट वीक से। अब क्रिटिसिज्म ऑन मीडिया। अब जहाँ तक के बात है कि मीडिया लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है, मुहैया प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा लोग इसे फायदा उठाते हैं। एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ जो है मीडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब जो मीडिया है वो कभी कभी मतलब वो फाल्स न्यूज भी देता है जस्ट प्रमोशन के लिए। तो ये हम लोग पढ़ते हैं कैसे होता है। सबसे है कंसील्स मोर देन इट्स रिवील्स, मतलब कि मीडिया इतना बताता नहीं है जितना छुपाता है। मतलब अगर कोई चीज जो लोगों को न्यूज की शक्ल में बताई जाती है, वो कभी कभी ठीक होती है, कभी कभी हाफ ठीक होती है। हाफ ट्रुथ बताया जाता है, हाफ नहीं बताया जाता है। जस्ट के लोग इससे कुछ कहते हैं डरे ना, या फिर इसके लिए के लोगों को सही बात इस वजह से नहीं बताई जाती कि लाइक जस्ट वही चीजें दिखाई जाती हैं जो कि उन्हें हुकूमत की तरफ से या किसी और मीडिया की तरफ से उन्हें कहने का होता है कि जस्ट इतना ही बोलना है। हाफ ट्रुथ ही बताता है, लेकिन लोगों के कहीं ना कहीं जहन में होता है कि मीडिया कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जैसे आजकल पता है कि हम लोग ये कहते हैं, भाई ये इसने इस मीडिया ने या इस न्यूज़ चैनल ने ये बात ठीक नहीं बताई, ये कुछ छुपा रहा है, ये गलत बता रहा है, उस पार्टी का बंदा है तो इस वजह से इसने उसी पार्टी की बात करनी है। ऐसे मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ठीक है गए हैं इधर सऊदी अरब, और फिर बाद में अगर सऊदी अरब के बाद वो कहीं अमेरिका जाते हैं, बट हमें जस्ट बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के कुछ मामला तय किए एंड वापस आ जाएंगे कुछ दिन उधर ही स्टे करके, तो हमें ये होगा कि इतने दिन वो सऊदी अरब में कैसे रहेंगे। हम लोग जस्ट हमें जस्ट जस्ट फर्स्ट पहलू ही बताया गया है कि वो सऊदी अरब भी गए हैं जस्ट, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो अमेरिका भी गए हैं। तो इस वजह से हमें हाफ ट्रुथ बताया जाता है, हाफ नहीं। ये है कंसील्स मोर देन इट्स रिवील्स, ये है फर्स्ट एंड देन एग्जैग्रेट्स। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात इतनी बात होती नहीं है जितना मीडिया बता रहा होता है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा होता है कि फलाम ने के कर दिया, फलाम में ये हो गया, मतलब जस्ट ब्लो अप करने के लिए, पोर्शन सम इशू ऑफ द सेंसिटिव नेचर। अब इसमें ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, उन्होंने ये कुछ किया भी नहीं होता, तो ये कहते हैं कि भाई बहुत कुछ हो गया, फलां धमाका खेज खबर या कुछ ऐसे करेंगे जिससे लोगों की जो अट्रैक्शन होती है उस न्यूज़ मीडिया की तरफ ज़्यादा होती है। अब सेंसेशनलाइज क्या होता है? अगर मतलब एक छोटी सी कोई चीज़ या छोटा सा एक्ट किसी पॉलिटिशियन से या किसी ऐसे बड़े एंकर से हो गया, तो मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। अब ये लिखो कि अगर उसने किसने मतलब शेक हैंड कर लिया ठीक है, वो इतने बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे भाई उसने सलाम दिया, उसने ये बातें कर दी, उसने ये कर दिया, मतलब फुल टोटली एक वो बाल की खाल उतारेंगे। ये उसे बोलते हैं सेंसेशनलाइज बोलते हैं उसे। और जैसा कि अभी इधर लिखा हुआ है कि आई थिंक इफ अ टॉप पुलिस ऑफिसर इन राइटिंग अ नोटेड फिल्म, अगर मतलब अगर कोई पुलिस वाला है किसी एक्टर्स को अपनी चाय पे घर चाय पे बुलाता है, तो वो भी इतने बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे भाई उसने चाय पे बुलाया, पता नहीं उसने क्या क्या उसे बोल दिया पुलिस वाले ने। तो ऐसे अब डैमेजेस कल्चर एंड द फैमिली ट्रेडिशन, मतलब आजकल कुछ जो ऐसे न्यूज़ मीडिया में कुछ ऐसी फिल्म आती हैं, ड्रामाज आते हैं जो कि फैमिली में इंसान बैठ के नहीं देख सकता, ऐसी चीज़ें होती हैं। इस वजह से जो है ये मीडिया जो है ये कल्चर को, जो पहले ज़माने में ऐसा होता था बैठ के सब टेलीविज़न देखते थे, वो सारा ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब है बीएसएनएस में क्या होता है? इसमें होता है कि न्यूज़पेपर जो टीवी होती है ना, ये जो अभी गवर्नमेंट होती है उसकी जो खबरें होती हैं, जो उसको मतलब उसे समझ लो से उतारने के लिए उस गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ जो उनकी ओपोजिशन होती है उन्हें बताती है। फिर ऐसे ये वाला मीडिया ये भी है जो एक क्रिटिसिज्म है इसके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ। फिर बाद में अब क्या, सोल्व टू इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मतलब जो मीडिया होती है ना, इस पर यह भी क्रिटिसिज्म होता है कि ये जो होती है जो इंटरेस्ट होती हैं वो मतलब सेल करती है दूसरे या कंट्रीज को, एडवांस कंट्रीज को, तो ये भी इसके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म है। अब कमर्शलाइजेशन ट्रेंड टू मिसलीड द पीपल। अब इसमें ये तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पैसों पे जैसे होते हैं बिके हुए लोग है ना, तो इस हिसाब पे मीडिया पे ये भी है कि ये फलां पार्टी से पैसे लेता है और फिर उसी के मुताबिक न्यूज़ देता है, जो गलत होगी ठीक होगी वो उसका उसको नहीं देखते, वो जस्ट पैसे की तरफ देखते हैं। मीडिया कांटोपाली से अगेंस्ट द, मतलब मीडिया जो है ना वो किसी
इंडिविजुअल के तरफ, किसी अफराद के तरफ या किसी सेक्टर के तरफ के से नहीं बोलता। स्कैम जो करा तो ठीक हो गया, बिलियन रुपीज हो उसका स्कैम, उसके खिलाफ ये नहीं बोलेगा। जस्ट ये वो समझो पैसे पे चलने वाला काम ये वाला है। फिर अगर पिक्चर्स ऑफ किलिंग्स अनएथिकल, अब इसमें ये होता है कि कुछ दफ़ा जो होते हैं न्यूज़पेपर्स में कुछ मर्डर्स की पिक्स होती हैं, जो कि अगर एक बंदा मॉर्निंग में देख लो तो उसका ऑलमोस्ट फुल डे उसका खराब रहेगा। तो ये बताओ कि उसमें मतलब ये भी है कि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ जाती हैं, हेडलाइंस आ जाती हैं क्राइम्स के बारे में, जिसके एक इंसान का फुल डे खराब रहता है। अब प्राइवेट लाइफ क्या ऑब्सेंसिटी एक ऑल पीपल इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या, अब जहाँ तक के मीडिया ने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को एक आम इंसान को स्टार बनाने का काम किया है, वहाँ कभी कभी ये मीडिया ऐसा काम करता है कि कुछ जो मीडिया जो स्टार्स होते हैं इनके बारे में छोटी से छोटी न्यूज़ ढूंढने के लिए ट्राई करता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब ये स्टार्स की, कई स्टार्स की ज़िंदगी भी इससे काफ़ी तबाह किस्म की हो जाती है, जब ये मीडिया जो है उनके खिलाफ जो होती है बुरी खबरें, उनके खिलाफ गलत खबरें लाता है। इससे ब्लैकमेल्स गवर्नमेंट क्या होती है अभी मीडिया जो होते हैं समटाइम, अगर मतलब गवर्नमेंट बनाने में अहम किरदार अदा करता है, गवर्नमेंट को उतारने में भी ऑलमोस्ट अहम किरदार ही अदा करता है। खैर ये बात नोट ना हो जाए, बट मीडिया जो है ये जो ब्लैकमेल करता है गवर्नमेंट को, और कुछ जो होती हैं इकतदार में आई हुई गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें भी ब्लैकमेल करता है कुछ पॉपुलर जो मीडिया होता है। ये इसके बारे में ये है ब्लैकमेल द गवर्नमेंट। गाइस अगर आपको मेरी ये वाली वीडियोस पसंद आई हो एमसीएम की, तो प्लीज़ आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को जितना हो सके आप दोस्तों के साथ शेयर कर। तो गाइस अपने पेपर अच्छे से देना, अच्छे से तैयारी करना, और आपको जिस पॉइंट की नहीं समझ आई तो वो आप मुझे कमेंट्स में बोल देना कि इस पॉइंट की आपकी समझ नहीं आई, तो वो फिर मैं आपको बता दूँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ भी। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और मुझे जब आपका रिजल्ट है तो आप मुझे बताना कैसा रिजल्ट है। ओके।